हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि देखिए, बरसात शुरू हो गई है तो हमारे गार्डन में जो है काफ़ी ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें हम जो है सीड से ग्रो करते हैं, कटिंग के द्वारा ग्रो करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही प्लांट के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स, जिसे हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत जो है प्लांट है और फ्लावर बहुत ही प्यारे जो है उस पर आते हैं, और समर्स का ही प्लांट है। आप उसे एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो उसके सीड्स जो है इतने जो है तैयार हो जाते हैं कि आप जो है उनको मन चाहे तरीके से जो है उनको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो जो है सीड से ग्रो करना पसंद करती हूँ, लेकिन इसके सीड जो है इतने सारे हो जाते हैं कि हमारे गार्डन में जहाँ भी कहीं भी गिरते हैं तो ये आसानी से जो है ग्रो हो जाते हैं। तो और फिर जब इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस पर काफ़ी सारी बर्ड्स जो है बनती हैं और बहुत प्यारे प्यारे फूल जो है खिलते हैं। तो फ़िलहाल जो है एक दो नहीं आते हैं इस पर, फ़िलहाल जो है 8 से 10 क्वांटिटी के मात्रा में जो है इस पर खिलते हैं, कभी कभी जो है ज़्यादा भी खिलते हैं। तो जब हम इसे बड़ा जो है पॉट देते हैं तो ये काफ़ी हाइट का जो है प्लांट हमारा हो जाता है और काफ़ी प्यारे जो है फ्लावर जो है इस पर देखने को हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि वह कौन सा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप ये प्लांट देख रहे होंगे, ये देखिए मेरा करीब 1 फुट से भी ज़्यादा का प्लांट हो गया है जो सीड से ही जो है ग्रो हुआ है, और इसके काफ़ी सारे प्लांट जो है मेरे गार्डन में रेडी हो जाते हैं, खुद ब खुद ही जो है सीड से ये जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने इन्हें एक बार ग्रो कर लिया तो फिर इनको जो है ग्रो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं, देखिए कितनी जो है ब्यूटीफुल सी हैं इनकी पत्तियाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, अब जो है आप जानने की इच्छा कर रहे होंगे, तो फ्रेंड्स ये है अफ्रीकन हिबिस्कस। तो फ्रेंड्स, इसे अफ्रीकन हिबिस्कस कहते हैं। तो हिबिस्कस की एक वैरायटी है, लेकिन ये जो है बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसकी जो है जो स्टैम्प है ये वैसे वाले हिबिस्कस की तरह नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे जो है इतना सीड पॉट बनता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक सीड पॉट में करीब 6-7 जो है सीड निकल आते हैं, और फ्लावर्स जो है जब इस पे खिलते हैं तो काफ़ी प्यारे खिलते हैं, और ये काफ़ी कलर वेरिएशन में जो है आपको मिल जाएगा। मेरे पास जो है ये एक ही कलर है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार जो है इसे ग्रो किया था अपने गार्डन में, तो काफ़ी सारे भर भर के मुझे इस प्लांट पे जो है फ्लावर मिले थे। फ्रेंड्स, अब जहाँ कहीं भी इसका सीड गिर गया वहीं पर जो है ये प्लांट मेरे जर्मिनेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब कुछ ही दिन बाद जो है 3 से 3.5 महीने के करीब जो है इन पे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी हाइट हो जाती है इनके, फ्लावर्स जो है काफ़ी भर भर के इन पे जो है खिलते हैं। इसकी कोई ज़्यादा खास केयर नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप टाइम टू टाइम जो है पानी देते रहिए, और हर 15 से 20 दिन में जो है इस पर जो भी आप फर्टिलाइज़र अपने सब प्लांट को देते हैं वही इसको भी जो है दे दीजिए, तो काफ़ी अच्छे से आपके गार्डन में जो है ये सर्वाइव करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप समर भर जो है फ्लावर चाहते हैं तो इसके 4 से 5 प्लांट जो है आप अपने गार्डन में लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर जो है आपका गार्डन जो है दिखने वाला है। तो इसका फ्लावर जो है ऐसे ही खिलता है जैसे कि जो नॉर्मल हिबिस्कस होते हैं हमारे गार्डन में उनकी तरह नहीं खिलता, जैसे कि होली होप का फ्लावर होता है कुछ उस टाइप का होता है इसका फ्लावर भी। तो फ्रेंड्स, मैं जो है वीडियो जब मैं डालूँगी तो उसके साइड में जो है आपको इसके जो है एक पिक्चर्स भी जो है दिखा दूंगी, तो आप अच्छी तरह से जो है समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं यही भी देखिए मेरे जो हैं यही भी वही हिबिस्कस है मेरे, ये देखिए यहाँ पर ये खुद ब खुद जो है अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं, सीड से मैंने कोई सीड नहीं डाले थे, तो अपने आप ही जहाँ जहाँ इनका सीड गिरा वहीं वहीं पर ये ग्रो हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ये कई गमलों में हो रहे हैं। ये फ्रेंड्स, दो प्लांट जो है मेरे जर्मिनेट हुए हैं, ये पहले हुआ था ये लास्ट में हुआ था। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है और हाइट इनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका सीड भी दिखा देती हूँ, तो सीड इसका कैसा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसके सीड हैं, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे सीड जो है मेरे गार्डन में ग्रो हो जाते हैं, ये देखिए मुझे मिल जाते हैं, और सीड जो है इनके अंदर होता है, इनके अंदर यहाँ पर देखिए, इसको जब हम खोलेंगे तो काफ़ी सारे सीड जो है हमें ये मिल जाएंगे यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह के सीड, ये इस तरह के, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह के सीड जो है ये होते हैं, इनका काफ़ी अच्छा जो है मोटा साइज होता है, तो आसानी से जो है ये ग्रो हो जाते हैं, कोई भी परेशानी जो है इनमें नहीं होती है, देखिए।
इस तरह से। तो ये सीड पॉट जब जो है खुलते हैं तो ये कहीं भी जो है छिटक के गिर जाते हैं किसी भी पॉट में, तो फिर जो है ये जो है अपने आप खुद ब खुद जो है ये ग्रो हो जाते हैं और हमारे न्यू प्लांट जो है तैयार हो जाते हैं मौसम के अनुसार। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने तो सुना है कि फ्रेंड्स इस प्लांट पे जो ये जो लगते हैं इनके पत्तियों को जो है खाया भी जाता है, इनकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, मैंने कभी नहीं खा। तो ये सब्जी के काम में भी जो है इनको जो है पत्तों को और इसके जो प्रयोग किया जाता है इनका। तो फ्रेंड्स यही सब जानकारी थी इस अफ्रीकन हिबिस्किस प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स आप सीड, जैसे मैं आपको सीड ग्रो करना भी दिखा दूँ, तो जिस तरह से देखिए इस तरह से जो है ये सीड लेने हैं, और आप किसी भी गमले में जिसमें भी लगाना चाहते हो तो इस तरह से एक छोटा सा होल करेंगे यहाँ पर और इस तरह से रख देंगे इस तरह से और इसको दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे डाल देंगे और दबा देंगे और इसमें फिर पानी दे देंगे। थोड़ा सा मिट्टी अभी गीली है तो मैं पानी नहीं दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बारिशें हमारे यहाँ हो रही हैं तो ये बारिश का पानी मिलने से खुद ब खुद जो है जर्मिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और प्यारे प्यारे फूल जो है अपने गार्डन में लगाइए।